अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मेरी जो डेली रूटीन है, मैं किस तरीके से सब काम करती हूँ, आज आपको ये ज़रा वीडियो के ज़रिए से आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह सहरी का टाइम था तो फिर सहरी वगैरह खा के तो फिर किचन को साफ़ किया, बर्तन सारे धोए, फिर दही लगा दिया हमने कि शाम को भी ज़रूरत होता है और सुबह सहरी के टाइम भी हम लोग दही के साथ ही ज़्यादातर खाते हैं सहरी, तो घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा रहता है, बाहर का ज़रा थोड़ा खट्टा होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको घर में ही जमाऊँ। फिर जो बर्तन रह गए वो मैंने धो दिए कि साथ साथ में धुल जाएं, क्योंकि आज मैंने दावत करनी थी, भेजनी थी बल्कि अपने नंदों की, तो फिर जल्दी से काम निपटाने की कोशिश की और घर को साफ करने किया कि जल्दी काम हो जाए, डस्टिंग वगैरह कर दी और सारा साफ़ सुथरा करने की कोशिश की कि हो जाए जल्दी काम। फिर घर को ज़रा साफ़ सुथरा करके और डस्टिंग करने के बाद फिर क्या किया, फिर मेरी बेटी है वो 9th क्लास में है तो उनके बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, तो मैंने उनके साथ थोड़ा सा सुना कि कुछ याद है कि नहीं, और उनके जो शाम की शिफ्ट थी तो मैंने कहा कपड़े प्रेस कर दूँ उनके जल्दी से कि वो फारिग हो जाए अपने पेन के, और फिर उन्हें जाना होता है 1 बजे, 1:30 बजे उनके पेपर है, तो अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। फिर मैंने जल्दी जल्दी ये प्याज को कट किया इस पीलर के साथ, बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है इसको, और फिर एक ही इक्वल साइज़ में कटिंग होती है ना, तो वो फिर फ्राई प्याज करने में बहुत इजी रहता है और बहुत अच्छे से ये एक की तरह से, कोई छोटे बड़े नहीं होते, तो एक ही साइज़ के बहुत अच्छे से प्याज फ्राई हो जाता है। और नंदों की भेजनी थी अफ्तारी, तो मैंने जल्दी जल्दी बिरयानी बना ली, उसका मसाला तैयार किया और दही डाल दिया और फिर इसका कौरमा बहुत अच्छा बना था, और मैंने फिर इसमें टमाटर डाले और सारा इसकी प्रिपरेशन की बिरयानी की। हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी बनी। बिरयानी बनाने के बाद मैंने इमली को पहले धोया, धोने के बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ, इसको कोई भी इसमें गंद वगैरह है तो वो निकल जाए। फिर मैंने इमली की चटनी बनानी थी तो इसको मैंने पानी डाल के चढ़ा दिया चूल्हे पे कि ये पकना शुरू हो जाए, और ये अपने काम में लग गई पकने में। तो फिर मैंने जल्दी से साथ ही में बल्ले बनाना शुरू कर दिए कि ये पकेगी अभी, तो फिर ये रोस्ट हो जाए, फ्राई हो जाए, बल्ले फ्राई हो गए। और मैंने फिर डिस्पोजिबल लिए बर्तन, क्योंकि उनके घर में बेचना था, वो ज़रा दूर है उनका, एक घंटा एक लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में, तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर बाकी की सारी जो डिशें बनानी थी वो मैंने तैयार की, तो ये किस तरीके से मैंने जल्दी से किया। ये तकरीबन बन गए थे लोग उनके जो घर में थे, 15 एक बंदे होंगे, तो फिर
मैंने जल्दी जल्दी सारा सामान भल्लों का रेडी किया। किसी के घर में भेजनी हो तो फिर ज़रा हलचल ही रहती है, जल्दी जल्दी काम समेटना, रमज़ान का दिन हो, रोज़े की हालत में हो तो फिर बस समझ ही नहीं आती है कि टाइम कैसे गुजर जाता है। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी होगी थी सब पे। फिर मैंने फिर चाट मसाला डाल दिया ऊपर, दही डाल के फिर मैंने इसमें ऊपर हरी चटनी डाली, ये हरी चटनी डाली और वो जो इमली की चटनी बनाई थी वो ऊपर मैंने डाल दी और इसको पैक करके रख दिया मैंने। माशाल्लाह से बहुत मज़े के लग रहे थे और ये मैंने ये जो तैयारी की थी ये भेज दिए मैंने फिर उनको। आपको मेरी ये वीडियो